और पारदर्शी बनाने का फैसला माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिसंबर 2018 में पहले भी दिया जा चुका है। इस मामले पर कांग्रेस पार्टी पहले भी अदालत में मुंह की खा चुकी है। आज फिर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उसका झूठ उजागर हुआ है। देश की रक्षा से जुड़े इस अहम मसले पर कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले लगातार झूठ बोलकर देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश की। उस दौरान श्री राहुल गांधी ने न सिर्फ राफेल खरीद पर बेबुनियाद सवाल पूछे, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। ये सत्यमेव जयते। जिस तरह आपने देखा हुआ लोकसभा चुनाव से पूर्व राहुल गांधी ने जिस तरह का वातावरण विश्वमन जनता में किया, राफेल के सौदे को लेकर जिस तरह का एक माहौल राहुल गांधी ने झूठा माहौल या झूठ का पुलिंदा तैयार किया, उस पर सच्चाई की मोहर माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लगाई गई और उसी को लेकर कार्यकर्ताओं ने इस तरह का झूठा प्रपंच रचना। आगे विपक्ष बंद करे और इस तरह की कोई भी प्रपंच को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी यहां पर आज प्रशासन को ज्ञापन देने राष्ट्रपति महोदय के नाम आई है। सर, किस तरीके ज्ञापन दिया गया था, किसी आप क्या मांगे थे? आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा एक ज्ञापन इस आशय का दिया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राफेल के संबंध में जो निर्णय पारित किया गया है उसको लेकर के राहुल गांधी सार्वजनिक माफी मांगे और इसमें आगे की कार्रवाई की जाए। किस तरीके का तो कि प्रेसिडेंट को संबोधित ज्ञापन है, हम अपने माध्यम से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के हम जवाब जो है। थैंक यू।